देवघर के मनोरमा होटल के सभागार देवघर जिला भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव जजवाड़े ने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से लेकर अभी तक पूरे देश 2,50,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। साथ ही गैस सिलेंडर, शौचालय दिया गया है। आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीबों की सरकार है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सोच था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उद्धार हो, तो उस सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। सरकार तो इस पर स्ट्रिक्ट है कि डायरेक्ट लाभुकों को ही मिले, और अगर ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि यह स्टेट की बात है, यह स्टेट का ज्यूरिडिक्शन है और स्टेट के जो सीएम हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, अगर उनका ही मिशनरी अगर फेल हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम ख़त्म है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, तो ऐसे में यह शिकायत आना भी संभव। अभी तो स्टॉप कर दिया गया है। एक ऐसी विद्वेष की भावना चल रही है स्टेट का कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट मनी, ये लोग भयभीत हो गए हैं हमारे केंद्र सरकार के विकास के कामों को देखते हुए। ये लोग भयभीत है, अगर काम ऐसा चलता रहेगा और गरीब लोगों की सेवा ऐसे होते रहेगी, तो मान लीजिए इन लोगों का नाम लेने वाला लोग नहीं रह जाएंगे। तो इसको लेकर के क्या भाजपा? हाँ, हम लोग आंदोलन पर बिल्कुल ये है। हमारे प्रदेश के भी जितने अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग बहुत सीरियस हैं इस मैटर में। हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन ऐसा आ रहा है कि आप लोग को प्रिपेयर रहना है, रोड पर उतरना। किस मुद्दे को लेकर? भ्रष्टाचार को लेकर, विकास को लेकर। मेन चीज कि जो सारा रोक दिया गया है, केंद्र सरकार का योजना ही खत्म हो गया है, इसके विरोध में हम लोग। प्रधानमंत्री महोदय जिस दिन से देश का बागडोर संभारे, उस दिन से अभी तक प्रधानमंत्री आवास जो गरीब गुरबा आदमी के लिए जाना था, वो पर्याप्त मात्रा में, जब आप ग्रामीण इलाका में जाइएगा तो एक ही काम हम लोग को नज़र आता है, वह प्रधानमंत्री आवास। कोई ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं है जिसको अभी तक आवास नहीं मिला, और जो आदमी बाकी बच गया है, करीब करीब 22 लाख होते होते सबों को आवास मिल जाएगा। लेकिन इसके पूर्व में जो सरकार थी, उन्होंने इंदिरा गांधी आवास के नाम से योजना चलाया था, जो कि कुछ इने गुने चुने आदमी को मिलता था, वह भी बिचौलिया और सरकारी अफसर उस पैसा का बंदरबांट हो जाता था, और आवास 30-35 हज़ार रुपया में न वह बन पाता था, अधूरा रह जाता था। हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं जो आवास कितना ज़रूरी होता है। एक गरीब आदमी जब बरसात का मौसम रहता है, उस समय हम लोग देखे हैं जिसका आवास नहीं था, वह आदमी कितना दिक्कत में रहता था। लेकिन उसी प्रकार ठंडा में भी उसका वही हालत रहता था, गर्मी में भी वही हालत रहता था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने यह सोचा, अंत्योदय के दृष्टि से उन्होंने देखा कि अगर गरीब आदमी को अगर हम आवास नहीं देते हैं, तो सारा जीवन उसका आवास के लिए ही अपना चिंता में व्यतीत हो जाता है। आवास मिलने से अब उनका यह विकास हो रहा है कि अब आवास हो जाने के बाद वह अपने बाल बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। आवास के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस गरीब आदमी को शौचालय देने का भी काम किया है, उसमें LED बल्ब का व्यवस्था किया है, और जल से नल पानी देने का भी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तो आवास में आवास भी है, शौचालय भी है, बिजली भी है, और उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस भी दिया जा रहा है, और पानी भी, शुद्ध पानी पीने के लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है। यह योजना अभी
पर्याप्त मात्रा में गांव हो या शहर हो, हर जगह इसको किया जा रहा है। अभी तक हमारे आंकड़े के अनुसार 2.5 करोड़ आवास भारतवर्ष में ग्रामीणों में बना है और शहरी एरिया में करीब करीब 1.5 करोड़ के लगभग आवास। देवघर जिले में कितने लोगों का आवास आवंटित हुआ है? देवघर जिला में हर पंचायत में, हम जहां तक हमको ये पूरा फिगर मालूम नहीं है, लेकिन हर पंचायत में अभी एकमात्र अगर कोई योजना चल रहा है तो प्रधानमंत्री आवास ही चल रहा है। आपने तो बहुत सारा योजना बताया। हम लोग का यही है, जो प्रधानमंत्री आवास आज झारखंड सरकार जो है कोई योजना प्रदेश स्तर पर नहीं चला रहा है, जो केंद्र सरकार हमारी योजना दे रही है उसी को वह गिना रहा है। इस लेकर के हम लोग आज प्रेस के माध्यम से जनता जनार्दन को यह जनाना चाह रहे हैं कि जो भी यह आवास बन रहा है यह केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा गरीबों को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है और पूरे देश में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल को हुई थी, 6 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक हम लोग यह पखवाड़ा मनाएंगे। और 2014 के पहले केंद्र में जब सरकार थी तो सिर्फ 1 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है इस देश में बना था, लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने पूरे देश में उन्होंने 250 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाया, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 50 लाख शहरी क्षेत्र में आवास बना है। आवास के साथ उन्होंने उज्ज्वला गैस के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया है, शौचालय दिया है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि केंद्र की सरकार गरीबों के लिए है और गरीबों के उत्थान के लिए है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति का उत्थान, तो उसे नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाया है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से, बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको और शक्ति दे ताकि गरीबों के लिए वह काम करते रहे। धन्यवाद। संजीव जजवाड़े, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जागरूक प्रदेश।